और इसी के साथ काशी से गंगा विलास की यात्रा शुरू हो गई है। इस मौके पर वाराणसी में संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने लोगों से काशी में विकसित पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और जलमार्ग पर बातचीत की। संत यहां पर मुखर होते हैं, काशी से नए संदेश देते हैं, नई दिशा देते हैं पूरे विश्व को। ऐसे ही एक संत हैं सतुआ बाबा। इसका काशी को क्या लाभ मिला? आज इस यात्रा का जो अनेक राज्यों से होती हुई जाएगी, हमें लगता है कि जो इसमें रहने वाले लोग हैं वो अपनी अनुभूति पूरे विश्व में इसका आज के माध्यम से जो प्रचार का माध्यम उससे करेंगे, इससे हजारों लोग इस काशी में आएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी यात्रा इसी विलास यात्रा में यात्रा करें, लेकिन हमारी अनेक नाव हैं, इससे नाविकों को बहुत लाभ होगा। काशी के जो बुनकर समाज है, काशी की जो धरोहर हैं, लकड़ी के हैं, आध्यात्म है, विश्वनाथ हैं, संस्कृति है, वो सब जान सकेंगे। और जो निकट गंगा किनारे गांव बसे हैं उनका विकास होगा। ये महिलाएं हैं जो गीत गा के स्वागत कर रही हैं इस अवसर पर कि क्रूज की शुरुआत होगी काशी से। काशी की विदुषियां हैं ये, क्या कहना चाहेंगी आप? इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और देखिए, कुछ भी नया होता है ना, वो हमेशा अच्छा होता है, तो ये बनारस में पहली बार हो रहा है। बेहतर आध्यात्मिक सांस्कृतिक धार्मिक नगरी, अब ये नया जो नई शुरुआत हो रही है, यह हमको मतलब जो है बहुत खुशी दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है। काशी तो संकल्प के लिए जाना ही जाता है, और यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री जब संकल्प लेते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुँचाते हैं। उसी का एक अनुपम उदाहरण है गंगा विलास, जो आज यात्रा शुरू कर रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, संत रविदास घाट।